महिंद्रा में ना मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो ये अच्छी लगती है कि इसके पास में ना इकलौती ये कंपनी है जिसपे वैरायटी ऑफ इंजन है। मतलब आप देखो डीजल की बात कर लो चाहे पेट्रोल की बात कर लो, और सारे के सारे इंजन ना इनके टर्बो चार्ज इंजन है। इकलौती महिंद्रा ऐसी कंपनी है जो अपने पूरे शोरूम के अंदर जितनी गाड़ियां खड़ी है ना सारी टर्बो चार्ज इंजन पे है। इकलौती एक कार एक्सयूवी 400 को छोड़ के, क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं है, बैटरी पैक डाला हुआ है इसलिए वही टर्बो नहीं है। लेकिन एक बात और है, महिंद्रा की जितने इंजन है ना सारे के सारे इनके अपने खुद के बनाए हुए हैं। आप देखो कई ऐसी कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर जो कि फीएट से इंजन ले रही हैं, डीजल के इंजन खासकर, और अपने पोर्टफोलियो में यूज कर रही है। लेकिन इकलौती ये महिंद्रा है जो कि भाई अपने इंजन खुद से बनाती है। आपको महिंद्रा थार ये जो मेरे सामने खड़ी है व्हाइट कलर में है, और इसके अंदर ना कुछ एसेसरीज लगी हुई है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा इंटीरियर अंदर का चेंज है। तो आज इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको यही बात करने वाला हूँ कि भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है, कितने की ये कार है और टोटल एसेसरी कितने की लगी हुई है। तो आज मैं हूं कहाँ पे, मैं हूं इंद्रप्रस्था महिंद्रा अशोक नगर के अंदर। बेस्ट डील के लिए आप लोग नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन या नंबर पे बात कर सकते हैं, और फर्दर कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं गाड़ी क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर रही है। सबसे पहले गाड़ी में अगर मैं बात करूं भाई, इसका व्हाइट कलर अपने आप में ही ना एकदम यूनिक है, एक हटके रोड प्रेजेंस है, एक अच्छी फुल साइज एसयूवी कार जो कि 4x4 कैपेबिलिटी के साथ आ रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना इस कार का कलर, मतलब यार व्हाइट कलर में ना इसकी गाड़ी की एक अलग ही रोड प्रेजेंस आ रही है। आप देखो हार्ड टॉप के अंदर ये कार है और पूरा चम जमाता हुआ बिल्कुल व्हाइट ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं नीचे लोअर बम्पर की बात करूं तो यस ये स्क्रैच रेजिस्टेंस बम्पर है जिसके अंदर थार का लोगो हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और ये है यहाँ पे ग्रिल महिंद्रा के बेज के साथ में। और लाइट्स की बात करें तो यस ये हमें हेलोजन लैंप लो बीम हाई बीम के लिए देखने को मिल रहे हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर और DRL के साथ में। नीचे बात कर लेते हैं तो ये भाई फॉग लैंप हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। एक चीज अच्छी है ये जो इसके यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बॉनेट पे ये जो लैचेस हैं, आप इसको इजीली ओपन करके आप महिंद्रा थार के इंजन को एक्सेस कर सकते हो। और इन केस आप देखो यहाँ पे हेलोजन लैंप दे रखे हैं। आजकल अगर मैं बात करूं इस प्राइस के अंदर ना, हो सकता है कोई आपको प्रोजेक्टर दे, कोई आपको LED लाइट दे, बट हेलोजन देने का ना एक रीजन ये है सबसे बड़ा, इन केस अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे इस गाड़ी का लैंप खराब हो गया तो आप इसे ना इजीली रिप्लेस कर सकते हो और इसका ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आएगा, ये एक प्लस पॉइंट है। तो बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड से। साइड में आप देख सकते हो गाड़ी की ना रोड प्रेजेंस, एक हटके ही रोड प्रेजेंस है। आप यहाँ पे देखो फ्रंट में डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिल रहा है, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ 18 इंचेस के हमें ये अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है। बढ़िया ऑल टेरेन टायर है, तो आप इसको नॉर्मल रोड के ऊपर मड में स्नो में कैसे भी आप इसे यूज कर सकते हो, हल्की फुल्की लाइट ऑफ रोडिंग के लिए ये टायर परफेक्ट है। तो सीएट के टायर हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे पीछे 4x4 का बेज इस तरीके से देखने को मिल रहा है। करते हैं एक बार रियर में, तो रियर में अगर आए तो LED टेल लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ 18 इंचेस की टायर की प्रोफाइल देखने को मिल रही है, और यहाँ पे क्रॉस ड्राइव 80 टायर सीएट के हमें देखने को मिल रहे हैं। सही हो गई बात। अब नीचे अगर मैं बात करूं तो दो हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर हो गया और ये है हार्ड टॉप। अब मैं आपको गाड़ी का एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ और अंदर चलते हैं देखते हैं गाड़ी है कैसे। चलते हैं गाड़ी के अंदर एक बार, ये यहाँ पे आए। ओ भाई ये क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा इंटीरियर ही चेंज हो गया गाड़ी का। महिंद्रा क्या कर दिया, ये पूरा इंटीरियर देख रहे हो, थार का कंप्लीट इंटीरियर चेंज है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोर्स पे। यार मतलब आप ये देखो, ये ड्यूल टोन के अंदर इसको बनाया हुआ है, यहाँ पे थार की हमें बेजिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मैट फिनिशिंग के इसके इनर जो डोर हैंडल के खोलने के पार्ट है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये इस तरीके से वुड टेक्सचर के अंदर ग्लॉस फिनिश में हमें ये यहाँ पे ORVMs के कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं। बॉटल होल्डर मैप पॉकेट हो गई, बाकी ये है गाड़ी का इंटीरियर। तो सबसे पहले बात करें हाइट एडजस्टमेंट आ रही है, बकेट सीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर है, और ये कुछ इस तरीके से है। मतलब यार काफ़ी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे सीट्स यहाँ पे लगा रखी हैं सीट कवर इसमें। बाकी ये यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है जो कि ड्यूल टोन कलर के साथ आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये ड्यूल टोन कलर ना, टैन और बेज कलर ये कंप्लीट यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर फिर देखते हैं अंदर से।
तो आ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, वुड का टेक्सचर हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ गाड़ी का इंटीरियर, मतलब यार ये देखो सेंटर जो पैनल है ये तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे क्रोम ग्रिल्स यहाँ पे दे दिए हैं, बाकी ये कंप्लीट हमें सेम देखने को मिलेगा। बट ये जो साइड पार्ट्स है ना आप देख सकते हो, इस पे थोड़ा अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे बात करें तो यस ये रहा, इसके साथ भाई आर्मरेस्ट भी दे दिया। आर्मरेस्ट खुलेगा, अरे वाह, आर्मरेस्ट खुल भी गया, लैचेस भी आ गए, सही। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, एक बार गाड़ी की चाबी लगाई जाए। तो ये महिंद्रा लिखा हुआ आया, ये कुछ ऐसे रहा, परफेक्ट डन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके में अगर मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट तो यस इसमें आ रहा है, तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों आएगा, बाकी एडवेंचर स्टैटिक्स ये भी आपको दिखाएगा, तो गाड़ी कहाँ है कैसे है ऑफ रोड, उस पर पूरा का पूरा सब उसमें ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप इसका इंटीरियर ही है देखने वाला, जो थार में इसमें एसएसडी में करा गया है ना, पूरा इंटीरियर चेंज कर दिया। इसके साथ ऊपर रूफ भी देखो, तो ये कुछ यहाँ पे रूफ है, ये हार्ड टॉप है लेकिन हाँ इस पे कुशन लगा दिया है, राइट, ये चीज है। बाकी डैशबोर्ड देख सकते हो आप, पूरा का पूरा टैन उसमें कर दिया है। ये यहाँ पे जो इसका पकड़ने वाला हैंडल था, ग्रैब हैंडल, इसको वुड टेक्सचर में दिया गया है, ग्लॉस फिनिश में। ये नीचे का ग्लोव बॉक्स हो गया, तो ये है भाई गाड़ी। यहाँ पे देख लें स्पीकर्स लगे हुए हैं, स्पीकर पे कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, बस आउटर पार्ट जो है ना वो पूरा का पूरा चेंज करा गया है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे भी आर्मरेस्ट आ गया, इसके साथ ये यहाँ चार्जिंग का पॉइंट आ गया 12 वोल्ट का, और कप होल्डर आ गया, बाकी ये है सीट। तो वाइड एंगल में आपको दिखाते हैं, ये कुछ ऐसी हमें देखने को मिल रही है, बढ़िया, काफी अच्छा भाई, लेविश यहाँ पे इंटीरियर है। तो एक बार रियर में भी एक्सेस कर लेते हैं, ये कोला डोर एंड दैट्स इट। तो आप ये देख सकते हैं इंटीरियर, पीछे तो कुछ ऐसा चेंज यहाँ तो नहीं करा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्स लगे हुए हैं। इसके साथ जैक एक्सेस करने के लिए आपको ये यहाँ से घुमाना पड़ेगा इसे, बाकी 50-50 स्प्लिट सीट का ऑप्शन आ रहा है। और ये है भाई यहाँ पे अंदर से इंटीरियर, देख सकते हो आप, दोनों तरफ आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग के पोर्ट दे दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से भाई, ये यहाँ पे इंटीरियर है, बहुत अच्छा प्रीमियम भाई लेविश इंटीरियर लग रहा है देखने में ही, मतलब मजा आ रहा है। और मजे की बात है ये सारा का सारा जो हिसाब किताब है ना वारंटी के अंदर इंक्लूड है। अब वारंटी मैंने बोली दी है, तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की वारंटी पे, और कितने का ये सामान लगा हुआ है और कितने का गाड़ी का प्राइस है। तो भाई अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की कॉस्ट की। तो ये जो फुल इंटीरियर है 1,28,000 में हुआ है, जिसकी 1 ईयर की वारंटी महिंद्रा की तरफ से आ रही है। आपने ये देखा ये जो इंटीरियर है आपकी फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी है, मतलब ये इन्होंने सारे के सारे ऐसे फीचर्स इसमें डाल दिए इंटीरियर में, जो कि अब आपको ना कहीं करोल बाग या किसी दूसरी जगह पे जाके कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल फिटमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है एसेसरी पे, राइट। तो इंटीरियर तो भाई बहुत बढ़िया शानदार बनाया है, और फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है इंटीरियर की। दूसरा गाड़ी की वारंटी बात करते हैं, भाई वारंटी ना आपकी कार की कुछ भी वॉइड नहीं होने वाली, स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर हमें देखने को मिल रही है, और अगर आप इसे एक्सटेंड करवाएंगे तो 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। बाकी गाड़ी के प्राइस पे अगर मैं बात करूं, तो इसका प्राइस शुरू होता है 10,54,000 एक्स शोरूम पे, और टॉप वेरिएंट जाते जाते 16,77,000 तक जाता है। ये गाड़ी आपको 4x2 में भी अवेलेबल होगी, 4x4 में भी अवेलेबल होगी। इसके साथ में ये जो व्हाइट कलर है, ये इंटीरियर आपने देखा, आप चाहे 4x2 लो चाहे 4x4 लो, आपको ऐसा इंटीरियर कस्टमाइज हो जाएगा अगर आप यहाँ पे इस डीलर को बोलेंगे तो। तो आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, खत्म करते हैं इस वीडियो को, दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जो लोग भी महिंद्रा थार देख रहे हैं या उसका वेट कर रहे हैं अभी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ संजय सक्सेना।